खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। आतंकवादी रियाज नायकों के एनकाउंटर के बाद आज जम्मू कश्मीर की पुलिस ने कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उसका एनकाउंटर कैसे किया गया। तो जम्मू कश्मीर पुलिस की ये कॉन्फ्रेंस कैसे हुआ, नायकों का एनकाउंटर, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। एनकाउंटर में तीन बड़े आतंकी मारे गए हैं। 6 महीने से नायकों के पीछे टीम पूरी लगी हुई थी। सूचना मिलने पर नायकों की घेराबंदी की गई। नायकों का मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान के TRF के नाम से नया संगठन बनाया। हंदवाड़ा लश्कर स्थानीय आतंकियों ने हमला किया था। वहीं नॉर्थ कश्मीर में नायकू कई दिनों से एक्टिव था, जिसके बाद लगातार उसका सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था। आपको बता दें, इस दौरान हमारे कई जवान शहीद हो गए। कंटिन्यूअस एक एक ट्रैक करते कि उसके मूवमेंट को, उनके OSW को, उनके कुछ OSW को अरेस्ट कर गया, इंटोगेट किया गया और बहुत पिन पॉइंट खबर मिला। उसके तहत पुलिस की छोटी टीम ने पहले उस घर को कॉर्डन कर लिया, बाद में आर्मी को बुलाया गया, CRPF को बुलाया गया और पहला दिन सर्च करने पर उस घर में कुछ नहीं मिला। फिर भी हम लोग इतना कन्फर्म है कि इसके अंदर मिलिटेंट है, या तो अंदर में होगा कहीं हाई डॉट में। हम लोग कॉर्डन को नहीं हटाएँ, कॉर्डन कंटिन्यू रहा। नेक्स्ट डे कल जाके सुबह 9 बजे जब मिलिटेंट ने पहले फायर किया, फिर हमारे फोर्स ने रिटेलिएट किया। उस रिटेलिएशन में, जैसा कि हम सब जानते हैं, HM का चीफ जो था पिछले 8 ईयर से एक्टिव था और पिछले 3 साल से HM का कमांडर था, उसमें मारे गए। ये पुलिस, JNK पुलिस, CRPF, आर्मी, सारे सिक्योरिटी फोर्स में बहुत कामयाबी की बात है। और उसके साथ साथ कल एक और इनकाउंटर हुआ था खिरू में, उसमें अवंतीपुर पुलिस और आर्मी CRPF मिलकर 2 और मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज किया था। तो टोटल कल 4 टेररिस्ट मारे गए। हम सब जानते हैं कि लास्ट ईयर नॉर्थ कश्मीर में 35 मिलिटेंट मारे गए थे, इस बार टोटल अभी तक 9 मिलिटेंट्स मारे गए। ऐसा नहीं था कि लास्ट ईयर मिलिटेंट्स ही वहाँ पर नहीं था और इस बार हो गया। इन्फिल्ट्रेशन हो रही है वहाँ और लगभग 500+ जो लॉकडाउन नाका है उसको हम लोग मैन कर रहे हैं और इस ढंग से इनको इन्फोर्स कर रहे हैं कि कहीं पर कोई ज़्यादा इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं हो। और उसमें पब्लिक का बहुत हम लोग का सहयोग मिला है और आगे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि मिलेगा। मेडिकल स्टाफ हो, डॉक्टर्स हो, क्वारंटाइन सेंटर हो, वहाँ भी हम लोग प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और इसमें हम लोग रिलीजियस लीडर्स को इन्वॉल्व किए हैं, मीडिया को इन्वॉल्व किए हैं, NGO को इन्वॉल्व कर रहे हैं भी हम लोग। इस ईयर जनवरी 2020 से पिछले 4 महीना में हम लोग लगभग 27 ऑपरेशन लॉन्च किए। इस ऑपरेशन में JNK पुलिस ने एसएससी इंटेलिजेंस गैदर किया और पुलिस, आर्मी, CRPF लेकर ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इन सारे ऑपरेशंस में लगभग 64 मिलिटेंट्स मारे गए, जिसमें 3 बहुत बड़े कमांडर मारे गए। सबसे पहले कारी यासिन मारा गया जनवरी में, जो JS का पूरे कश्मीर का चीफ था। उसके बाद AGH का मारा गया, ब्रहण कोका, सब आप सब जानते हैं उसके बारे में। और जो कल मारा गया उसमें जो HM का पूरे JNK का चीफ था। इसके साथ साथ लगभग हम लोग 25 मिलिटेंट्स को, एक्टिव मिलिटेंट्स को अरेस्ट किए। 125 OSW को अरेस्ट किया गया, इंटोगेट किया गया।